क्या इसमें सच्चाई है कि जिन लड़कियों ने आरोप लगाए हैं, एफआईआर दर्ज कराई है, उनके परिवार वालों को धमकियां दी जा रही हैं, या उनको 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 बयान बदलवाने के दबाव डाला जा रहा? आप अपने का अनम्यूट करेंगे जगपति जी? बिल्कुल आशुतोष, जब ये जनवरी में लड़कियां जब धरने पर बैठी और फिर जो आईओ के द्वारा और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा जो कमेटी ओवरसाइट कमेटी बनाई गई थी, उसके सामने जब लड़कियां गई हैं अपनी आप बीती बताने के लिए, तो एकदम जैसे जिस दिन उन्होंने वहां पे अपनी टेस्टिमोनी दी, उसी दिन उनके घर पे जो है वो सरकारी लोगों का अमली जामा पहुंचा है और उनको परिवार वालों को धमकाया गया है कि लड़की को किसने भेजा था, क्यों भेजा था। और ये बात जो है ये बिल्कुल सार्वजनिक रूप से हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज की हरियाणा में मीटिंग हुई तो उस परिवार के सदस्यों ने बताई। फिर उसके बाद ये तय किया गया कि ये लड़कियां जो है ये वहां पे ऑब्जेक्शन उठाए कि किसी भी तरह से जो सीक्रेसी लीक की जा रही है इन खिलाड़ियों की, वो बहुत घातक एक अपराध है इस कमेटी के स्तर पे, और इस कमेटी के खिलाफ भी वो कार्रवाई की मांग कर सकती है। तो वो लीक की गई बाकायदा, और न केवल वहां पे आशुतोष, जो दिल्ली पुलिस ने जो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस पे एफआईआर दर्ज की है उसमें भी जो माइनर जो लड़की है उसके आइडेंटिटी तुरंत लीक की गई। और अगले दिन ब्रजभूषण जो है वो टिप्पणी कर रहे थे वो लड़की के ऊपर और उनके परिवार वालों के ऊपर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।